गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम शंभू सर, योर मैथ टीचर। वेलकम बैक टुडे। वी आर गोइंग टू डिस्कस फाइंड सम टॉपिक। वी हैव चैप्टर नंबर 4, क्यूब एंड क्यूब रूट। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ अ परफेक्ट क्यूब ऑफ फाइंडिंग इट्स वंस एंड टेंस डिजिट। सर, हमें कुछ ऐसे नंबर जिनका हमें परफेक्ट क्यूब, जो प्रॉपर क्यूब जिनका हम फाइंड कर सकते हैं, तो हम उनका अगर क्यूब रूट फाइंड करते हैं तो उसका वंस और टेंथ डिजिट क्या होगा। तो फर्स्ट वन हम डिस्कस करें कि अगर वन डिजिट है, कोई भी वन डिजिट नंबर लेते हैं, तो वन क्यूब इक्वल्स टू तो वन हो रहा है, और सेवन और नाइन क्यूब जो हो रहा है वो क्या हो रहा है आपका 729। ठीक। अब टू डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं तो 10 स्क्वायर मींस ये क्यूब, तो ये हो रहा है आपका 1000। ठीक है, ये हो रहा है। अब हम देखें कि क्यूब जो हो रहा है वो मिल रहा है या तो 4 डिजिट आ रहा है या 1 डिजिट आ रहा है, और ये क्या आ रहा है 3 डिजिट आ रहा है। तो देखें इसमें फर्स्ट है, थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर रहे हैं कि द क्यूब रूट ऑफ एनी परफेक्ट क्यूब हैविंग वन टू और थ्री डिजिट्स। अगर क्यूब रूट ऑफ एनी परफेक्ट क्यूब, ऐसा परफेक्ट क्यूब जिसके पास, या ऐसा नंबर जिसका क्यूब जो होता है उसमें डिजिट्स होते हैं वन टू थ्री डिजिट्स, मतलब नंबर ऑफ वन डिजिट टू डिजिट और थ्री डिजिट, तो इज आ सिंगल डिजिट। कहने का सेंस ये है कि या तो वन डिजिट का क्यूब, जैसे वन का क्यूब वन है, तो वन का क्यूब होता है वन, तो इसका क्यूब रूट जो होगा वो भी कितना होगा वन होगा। आप टू डिजिट नंबर देखिए तो टू डिजिट जैसे टेन है, तो टेन का क्यूब जो है वो कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है 1000 आ रहा है। ठीक है, और क्यूब रूट अगर इसका निकालेंगे तो ये कितना आ रहा है आपको सर, ये आ रहा है 10 आ रहा है। अब कोई नंबर है जैसे 64 का क्यूब, तो ये 64 आ रहा है, तो 64 का क्यूब क्या आ रहा है, क्यूब रूट क्या आ रहा है। कहने का सेंस ये है, देखो ऐसा परफेक्ट क्यूब जिसमें नंबर ऑफ डिजिट 1 है 2 है 3 है, और इनका अगर हम क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं तो क्यूब रूट के लिए देखें, सॉरी ये थ्री डिजिट्स के लिए नहीं है, ये 10 को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, सॉरी। लाइक दैट ऐसे डिजिट, जैसे 9 का क्यूब है, तो ये क्या हुआ आपका 720 है। थोड़ा सा और अब आते हैं, जैसे 9 का क्यूब है तो 9 का क्यूब हमें मिल रहा है कितना 729। इसका अगर क्यूब रूट फाइंड करें तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना हो रहा है सर, मतलब कहने का ऐसा है कि क्यूब रूट ऑफ एनी परफेक्ट क्यूब, ऐसे परफेक्ट क्यूब नंबर जिनका क्यूब रूट अगर फाइंड करने जाएंगे, चाहे वो क्यूब रूट जो, चाहे वो नंबर जिसका क्यूब वन डिजिट हो, टू डिजिट हो और थ्री डिजिट होता है, ऑब्वियसली उसका क्यूब रूट ऑलवेज ऑलवेज कितना डिजिट होगा, सिंगल डिजिट होगा, 149। क्लियर, चलो ये इसको थोड़ा सा समझें, है ना। अब फोर सेकेंड वन आ रहा है इसी में सर, सेकेंड क्या है, तो सेकेंड आपका है कि द क्यूब रूट ऑफ एनी परफेक्ट क्यूब, द क्यूब रूट ऑफ एनी परफेक्ट क्यूब हैविंग 4, 5 और 6 डिजिट्स इज टू डिजिट। बिल्कुल, मीन्स ऐसे परफेक्ट क्यूब जो नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं 4, 5, 6, उनका क्यूब रूट ऑलवेज ऑलवेज टू डिजिट नंबर होगा। क्लियर, चलिए अब और देखिए इस पे
कि सर हमें कैसे पता चलने वाला है कि कौन से डिजिट के लिए उसका, अगर क्यूब में अगर डिजिट्स हैं तो उसका क्यूब रूट में डिजिट क्या होगा? तो इसमें फर्स्ट है आपका, अगर वंस डिजिट, वंस डिजिट आप क्यूब रूट ऑफ अ परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब नंबर देखें और क्यूब रूट देखें, दिख रहा है? तो देखें परफेक्ट क्यूब, अगर देखें तो परफेक्ट क्यूब में अगर नंबर्स हैं हमारे 1, 4, 5, 6 और 9, तो देखिए 1 के लिए परफेक्ट क्यूब में, क्यूब रूट में क्या होगा? 1 होगा, 4 के लिए 4 होगा, 5 के लिए 5 ही आएगा, 6 के लिए क्यूब रूट भी 6 होगा और 9 के लिए क्यूब रूट भी 9 होगा। क्लियर हो रहा है? मींस ऐसा परफेक्ट क्यूब नंबर या ऐसा परफेक्ट क्यूब जिसका एंडिंग या वंस डिजिट 1 है तो ऑब्वियसली उसका क्यूब रूट 1 होगा, ऐसा परफेक्ट क्यूब जिसका वंस डिजिट 4 है तो क्यूब रूट भी उसका क्यूब रूट में भी वंस डिजिट 4 होगा, 5 तो 5, 6 तो 6 और 9 तो 9 होगा। क्लियर? थैंक यू ऑल ऑफ यू।